कादियान एक हिस्टोरिकल शहर है जिसमें हर किस्म के लोग रहते हैं। बसो कल्याण का जो सद्भावना का जो माहौल है वो हम सब लोगों के साथ प्रीति प्रेम एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस की वजह से बसो कल्याण शांति और प्रेम के साथ यहाँ का वातावरण बनता है। इस वातावरण को बनाए रखने में बहुत से संगठनों ने काम किया, खुसूसियत के साथ जमात इस्लामी ने जो कभी इफ्तार कूटा में लोगों को बुलाकर, कभी ईद के मौके पर बुलाकर, कभी दूसरे सम्मेलन करके इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों में भाईचारा को बढ़ावा देता है, जिस पर हम सब बसो कल्याण के वासियों को इसका पर हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने इस जमात इस्लामी की इस कोशिशों के नतीजे में बसो कल्याण का सद्भावना का एक अच्छा सा माहौल बना है। इसी तरह कुरान प्रवचन और सीरत प्रवचन के प्रोग्राम जो मुसलसिल चले आ रहे हैं, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ये 3 सालों से प्रोग्राम नहीं हुआ था। अब ये प्रोग्राम 12 दिसंबर 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को सभा भवन तेर मैदान बसो कल्याण में शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं दिल की गहराइयों के साथ इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआ करता हूं, विनती करता हूं कि तमाम लोग इसमें भाग लेकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करें, कामयाब करें। प्रोग्राम में जो शामिल होने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो ये है कि शांति हर एक की ज़रूरत है, एक मजबूत समाज, एक मजबूत फैमिली की हर एक को ज़रूरत है, और देश के तई अपनी तरक्की और उसके लिए अपना योगदान देने की हर एक आदमी की ख्वाहिश और उसकी कोशिश होती है। उसको सही दिशा में आगे ले जाकर देश को एक मजबूत ताकतवर बनाने के लिए हम कोशिश करें, हम प्रयत्न करें। बसो कल्याण चूँकि बसवेश्वर महाराज की कोशिशों से, वचनों के जरिए से पहचाना जाता है, तो यहाँ के जो वचनकार हैं ये पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन यहाँ से दिए हैं। इस एतबार से कि मान्यता की बात, सम्मानता की बात, इक्वलिटी की बात, रिस्पेक्ट की बात, जो संदेश हमारा सबका कॉमन है, हर एक की कॉमन ज़रूरत है, इस कॉमन ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये कुरान प्रवचन एक बहुत ही संगमैल साबित होगा, एक बुनियाद साबित होगा। कभी भी कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर से पहचाने नहीं जाती, किसी भी शहर की पहचान इमारतों से पहचाने जाती है, लेकिन कुछ जगहों की पहचान उसके कल्चर से और सामाजिक उनके अपने व्यवहार से पहचाने जाती है। हम चाहते हैं कि लोग क्योंकि दिल नर्म हो जाए, ये लोगों के दिल प्रेम से भर जाएँ, लोगों के दिल एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ रहें, एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे के जो उनके विचार होते हैं उनका रिस्पेक्ट उनके दिल में जगह बनाएं। बस यही नेक हमारे बेस्ट विशेष हैं। इस कुरान प्रवचन को लेकर हम तमाम से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप तमाम लोग इस प्रोग्राम में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें, और इस प्रोग्राम में तमाम लोग आएँ, हर कौम के लोग आएँ, लेडीज़ और जेंट्स की सारे लोग इसमें शरीक रहें। बस यही गुजारिश के साथ मैं दो बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।